अरे एक मिनट, मैं आपको चीज़ दिखा, कौन सा ब्रांड है ये? ब्रांड मैंने लोगों कहीं नहीं देखा है। चलिए वहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। यहाँ देखिए, टर्बो इलेक्ट्रिफाइड मर्सिडीज, इसका कलर बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कलर। ये भी ये देखिए, यूके राइडर वाला सुप्रा। तो मेरे लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने एक पार्ट दिखाया है दुबई के सेकेंड हैंड कार मार्केट का। तो आज है दूसरा वाला। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने अभी आइकॉन दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अभी थोड़ा गर्मी बढ़ रहा है, दोपहर के सुबह के लगभग 11:30 बजने जा रहा है और फ्राइडे का टाइम है, तो मार्केट ऑलमोस्ट सब जगह पे क्लोज ही है, जो 2 बजे के बाद ही चालू होता है मार्केट यहाँ पे फ्राइडे के दिन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट पे बताइए कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। तो चलिए फिर चलते हैं दूसरे पार्ट सेकेंड हैंड कार मार्केट के टूर के लिए। चलिए, तो अब हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ये एरिया पे, यहाँ पे आपको दिखाया था लग्जरी कार और वहाँ पे आपको दिखाया था जो मिड साइज़ के, जो मीडियम रेंज के हैं, लो मिडिल क्लास के रेंज पे वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मैंने सेकेंड हैंड कार मार्केट के बारे में शारजा वाले मार्केट पे भी एक ब्लॉग बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आइकॉन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूँगा। तो जैसे कि मैंने देखा, आपको बताया कि मैंने लास्ट टाइम के, वहाँ पे भी आपको एक मार्केट दिखेगा, यहाँ पे भी एक मार्केट है, वहाँ पे भी एक मार्केट है और यहाँ पे, तो हम लोगों ने वो दो टूर कर लिया है। अब हम चल रहे हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे आपको मिक्स साइज़ के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सुपर कार, लग्जरियस कार के बारे में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कोशिश करूँगा कि टूर के साथ साथ आपको मैं प्राइजेस भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे देखिए रोल्स रॉयल्स खड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा हाई एंड लग्जरियस वाले कार, थोड़े बहुत चाइनीज़ भी है। तो अभी यहाँ देखिए रोल्स रॉयल्स पड़ा हुआ है, वहाँ पे बर्बर्स का भी पड़ा हुआ है, रेंज रोवर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे रैम वगैरह यहाँ पे आपको सब दिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए पहले मार्केट, तो ये है कुछ ऐसा मार्केट यहाँ पे। यहाँ आपको देखिए क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त कार देखने को मिल रहा है। ये कौन सा ब्रांड है? ये ब्रांड मैंने लोगों कहीं नहीं देखा है। अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ये गियर वाला जो लुक्स है, जो काफ़ी मर्सिडीज़ जैसा लग रहा है, मैंने कभी ऐसा लोगो नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये जो लोगो है ना, यहाँ पे जो लोगो है ये मर्सिडीज़ जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक कलर में। बहुत खूबसूरत तो है, देखने में तो ज़बरदस्त है। रोल फर्टेज बोल के कोई ब्रांड है, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कभी ये नाम सुना है कि नहीं। मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये कौन सा कहाँ से है, लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता मर्सिडीज़ जैसा है। चलिए वहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। यहाँ देखिए टर्बो इलेक्ट्रिफाइड मर्सिडीज़, देखिए इसका लुक और उसका लुक देखिए ऑलमोस्ट सेम जैसे आपको मैंने बताया। यहाँ पे भी मर्सिडीज़ है, यहाँ पे फोर्ड है, देखिए यहाँ पे भी ये ब्रांड कुछ अजीब, देखो हर जगह मेरे को वही दिख रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लेक्सस है, तो ये पूरा ऐसा कुछ देखने हैं। चलिए फिर हम लोगों को सिर्फ टूर करना है आज। यहाँ पे देखिए, वो देखिए पोर्शे भी यहाँ पे रखा हुआ है। आज हम लोग का सिर्फ टारगेट है कि मैं आपको यहाँ पे आज सिर्फ टूर कराऊँ कि कैसा लगभग सीन है यहाँ पे। मार्केट आज आपको खाली मिलेगा क्योंकि फ्राइडे है, ऑलमोस्ट सब जगह छुट्टी रहता है और ज़्यादातर 2 बजे के बाद चालू होता है। एक मेरे को वो ब्लू कलर का पोर्शे दिख रहा है, चलिए वहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख के फिर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, मैं आपको भी दिखाऊँ कि कैसा है। तो दोस्तों मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं एक उसके ऊपर ब्लॉग भी बनाऊँगा। क्या लगता है, हाइपर कार अच्छा है या पेट्रोल कार अच्छा है? ये देखिए कितना जो, हाँ है थोड़ा बहुत डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पोर्शे क्या लिखा है। पोर्शे टाइसन 2022 का 21,000 किलोमीटर चला हुआ है, जर्मनी स्पेसिफिकेशन है, इतना ही लिखा हुआ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सीन है। और भी आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आपको मर्सिडीज़, अरे यहाँ पे आपको ऑडी देखने को मिल जाएगा। और चलिए आगे भी देखते हैं कैसा है। यहाँ पे आपको BMW M किट ब्रांड का देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मर्सिडीज़,
तो मैं जैसे कह रहा था आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको हाई एंड वाले ही दिखेंगे। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यहाँ पे आपको मिड साइज़ के रेंज के बारे में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए डॉज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे व्रेंगलर पड़ा हुआ है, चलो लकीली एक मिल गया, यहाँ पे निसान सनी का भी छोटा बहुत एक आध मिल जाता है। कभी कभार इस एरिया में लग्जरियस के साथ एक आध मिल जाता है आपको कार्स वगैरह। ये जो एरिया है ना बहुत लंबा है, और आप पैदल तो मेरी तरह मत आइएगा, आएंगे तो गाड़ी पे है, मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक कार, वो जो इलेक्ट्रिक बाइक था ना पहले एक बार मैंने लिया था। अरे एक मिनट में आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बर्बस का ये वाला जो कार है ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। वाओ क्या क्या खूबसूरत सा लग रहा है, नहीं मैट फिनिशिंग कलर, LED लाइट, प्रोजेक्टर लाइट, हेडलैम्प और ट्विटर के इंडिकेटर के साथ स्मॉल एंड इम्पैक्ट और मनाको, बस इतना ही है। 3 एग्जॉस्ट के साथ ये मॉडिफाइड किया हुआ है, पक्का मालूम पड़ रहा है। क्या खूबसूरत है, ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे रेंज रोवर भी है, और बाकी और क्या दिखाया हूँ आपको, वो देखिए यहाँ पे बेंटले खड़ा है, ये बेंटले का पूरा रेंज यहाँ पे। तो अगर कभी आप आ रहे, यहाँ देखिए उरुस, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। इसका कलर बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कलर ये भी। तो ये देखिए लैम्बोर्गिनी उरुस बोल के है ये। कलर के बारे में आपको कैसा लगा है, कौन सा कलर है ये एग्जैक्टली, इसको टेक्निकली मैं कौन सा कलर बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, 2021 का मॉडल है, और प्राइस इसका है लगभग 1 मिलियन के आसपास इसका प्राइस है। डबल एग्जॉस्ट भी है, एलॉय व्हील्स भी, तो खतरनाक लेवल का ही है। चलिए फिर और आगे देखते हैं और कौन सा कार आपको मैं दिखाऊँ। ये देखिए यहाँ पे रोल्स रॉयल्स का यहाँ पे पूरा लाइन लगा हुआ है, बहुत बहुत लंबा, बहुत लंबा है। चलिए सुप्रा देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, देखिए यूके राइडर वाला सुप्रा, ये देखिए वो देखिए सामने, चलिए फिर चलते हैं वहाँ पे। ये देखिए यूके राइडर वाला सुप्रा, टोयोटा सुप्रा, थोड़ा पीछे देखेंगे कैसा है, पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई, खतरनाक मैट फिनिशिंग में है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। ये है ऐसा कुछ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है। तो ऐसा, तो ये है कुछ ऐसा कंटिन्यूस आप देख पाएंगे। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, मैं यहाँ से आया था, अब मैं आपको एक यहाँ से दिखा रहा हूँ, मतलब ये जो एरिया है आपने देख लिया, अब मैं आपको उस एरिया पे दिखाता हूँ कि कैसा लुक्स है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको लग्जरियस कार का लाइन दिखेगा। तो ये है दुबई का लेवल, यहाँ है आप, मतलब इसके वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए मर्सिडीज़ ब्लू कलर का कितना मस्त लग रहा है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मर्सिडीज़ 3C00 कूप 2018 मॉडल, 82,000 किलोमीटर, कनेडियन इम्पोर्ट किया हुआ है, 1 साल वारंटी के साथ। पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, क्या खतरनाक लेवल का सब यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आप बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको अच्छा लगा है तो, नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा है तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका नाम और कहाँ से आप देख रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर आपको आपका कमेंट शो कर सकूं कि आपने कौन सा प्यारा कमेंट मुझे किया था। तो दोस्तों कुछ है यहाँ का मार्केट, प्राइजेस के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ को दिखा नहीं पाया, मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको मिड साइज के रेंज का बताया था कि क्या क्या प्राइस है, और इस वाले वीडियो पे भी आपको कोशिश किया बताने का कि कैसा प्राइस है, कैसा लुक है, क्या है नहीं है, जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश किया। बहुत बड़ा मार्केट है ये, ऑलमोस्ट आप 50-60 किलोमीटर आपको ऐसे ही पैदल में चलोगे तो आपका एक दिन में वेट भी लूज़ हो जाएगा। तो ये था दुबई सेकेंड हैंड कार मार्केट का टूर, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसा ही कुछ ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
तो चलिए फिर देखते हैं सेकेंड हैंड कार मार्केट में कुछ यूनिक आपको मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं, अगर दिखता है तो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है लुक्स, ये देखिए यहाँ पे मर्सिडी कूप मॉडल का पड़ा हुआ है, यहाँ पे मर्सिडीज जीएमसी। तो दोस्तों जो आपने अभी तक देखा वीडियो में, तो दोस्तों अभी तक मैंने जो जो आपको कार सिखाया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट दैट कौन सा कार आपको सबसे ज़बरदस्त लगा और आपके हिसाब से उस कार का प्राइस क्या है।